गाइज व्हाट इफ आप एक ऐसे माइनक्राफ्ट सर्वर को ज्वाइन करते हो जिसके अंदर आपके एमराल्ड आपकी मनी होते हैं, मतलब जितने ज्यादा एमराल्ड आपके पास होने वाले हैं आप उतने ही अमीर होने वाले हो। बट ऐसा तो क्या होता है जिससे जैसे ही मैं सर्वर को ज्वाइन करता हूँ सभी लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, बट फिर भी मैं सर्वर के अंदर सबसे ज्यादा अमीर प्लेयर बन जाता हूँ। बट अमीर बनने के बाद भी मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। तो आखिर तो प्रॉब्लम क्या होती है वो तो गाइज हमको आगे ही पता लगेगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेरे सब्सक्राइबर्स पता नहीं ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते जाते हैं, तो गाइस जल्दी से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। ऑलराइट, जॉइनिंग द वर्ल्ड। एंड गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इधर अमीरों वाले सर्वर के अंदर। ये सर्वर तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया बना हुआ है। एंड हाँ गाइस, अभी जैसा कि आपको पता ही यार मेरे पास तो उधर जीरो पैसे होने वाले हैं। एंड भाई मेरे को इधर एक डायमंड आर्मर का हॉर्स दिखा है। ओके गाइस, क्या मैं इसको चोरी कर लूं क्या? ये कौन है? वेट, अबे मार क्यों रहा है मेरे को? अच्छा इसका घर है क्या ये? अबे नहीं 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 नहीं, अबे ये सब लोग मेरे पीछे आ चुके हैं। भाई क्या हो रहा है? नहीं शिट 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 शिट। एंड गाइस पता नहीं मेरे अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है नया प्लेयर जो आता है उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलते हैं। पर भाई ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रखे हैं? अबे वेट भाई, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये गाजर लेता हूँ खाने के लिए। अबे शिट, मेरे पीछे है जस्ट भाई ये। अरे नहीं 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 नहीं, मैं गया मैं गया मैं गया, अभी मैं बचने नहीं वालू भाई। पर लेकिन भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर्वर के अंदर, ये आगे से आ गया। भाई निकल ना भाई, क्या है दिक्कत? वेट गाइस, शायद से अभी लोग जा चुके हैं। ओके ओके, वो ढूंढ रहा है मुझे, ढूंढ रहा है। एक काम करता हूं भाई, स्नीक करके मैं थोड़ा दूर जाता हूं यहां से। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी ना देखिए लोग मुझे। और गाइस यार आप लोग एक चीज देखो भाई, इनके पास कितने पैसे हैं। अभी मुझे लगता है मैं एकदम कंप्लीटली सेफ हूं क्योंकि यहां पर कोई भी नहीं है। भाई ये कौन मार के गया मेरे को? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि अभी सारे लोग जा चुके हैं, पर नहीं गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब लोग जो वापस आ चुके हैं यहाँ पर। ऐसे ही काफी देर तक मैं भागता रहता हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं और मेरे से क्या चाहते हैं। अबे ये मेरे पीछे आ रहा है भाई, जस्ट एक सेकंड, ये बंदा मेरे लिए इन लोगों से फाइट कर रहा है। वेट भाई, कुछ तो चक्कर है, ये मेरे को शायद से सेव करना चाहता है। ओ डैम भाई, इसको तो मार भी दिया इसने। और भाई ये मेरे को सेव क्यों कर रहा है गाइस? मेरे को इस पर कुछ डाउट हो रहा है। वीसी, ओके वीसी जाता हूँ मैं। हेलो हेलो भाई, भाई तुम मेरे को लाइक सेव क्यों कर रहे हो? लाइक क्या हुआ? मैं थोड़े दोस्ती यारी बनाना चाहता था यार, थोड़ा ये लो एक काम करो राइटर। पर भाई मुझे एक चीज बताओ, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो सब मैं बाद में बताऊंगा भाई, तुम अभी निकलो यहाँ से। अरे ठीक है भाई, थैंक यू भाई। पर किधर जाना है मुझे ये तो बताओ भाई, बहुत बड़ा सर्वर है ये। ब्रिज के नीचे आ जाओ जस्ट। रुको आ गया बस, अबे मर ना जाऊं भाई मैं प्लीज। ओके भाई, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है मेरी। अच्छा यही है क्या तुम्हारा बेस? हाँ है, थोड़ा सस्ता सा है। अरे भाई यार ये सस्ता थोड़ा सा नहीं, मुझे लग रहा है बेस कुछ ज्यादा ही सस्ता है ये। देखो अभी तुम्हें कोई परेशान नहीं करने वाला, इसलिए तुम टेंशन फ्री रहो। एक सेकंड भाई, वैसे यार तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा पैसे है भाई, कितने है ये? 8,80,000 भाई, बहुत अमीर हो यार तुम तो सर्वर में। इतना भी नहीं हो पर ठीक है, मतलब भाई मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? फैल्कन आ जा। ये फैल्कन के तुम्हारा कोई फ्रेंड वगैरह है क्या? आ जाना मेरे भाई, छुपा क्यों है? भाई तुम लोग क्या चाहते हो भाई? ब्रो वेट, मैं निकल रहा हूँ भाई। नहीं शिट 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 शिट, एचसीएल भाई कहाँ भाग रहा है भाई? मैंने तेरे को बचाया अभी अभी तक। भाई तुमने मुझे बचाया लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं क्यों रुकूंगा यहाँ पर? अरे भाई तूने कैसे जाने दिया उसे? तो हमें मारना था यार, क्या बोलूं तेरे को? एक काम ढंग से नहीं होता। अरे मैंने उससे लेटर लिखना भूल गया भाई। ओके गाइस, अभी मैंने इनके वीसी को भी लीव कर दिया है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी उस बंदे ने मुझे बचाया था और गाइस उसके बाद वो मुझे मारना चाहता है, पता नहीं गाइस क्या हो रहा है इस सर्वर के अंदर। सबसे पहले तो मैं अपनी हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ। एंड गाइस ये अच्छी बात है कि अपनी इस वाली लाइटर को लेना भूल गया था, जिसकी वजह से अभी मैं एस्केप कर पाया हूँ। और भाई अभी मुझे पता नहीं, अभी शायद मैं वापस से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खड़ा हूँ। एक काम करता हूँ यहाँ से निकल लेता हूँ भाई, नहीं तो ये मेरे को मार देगा। हेलो गाइस, अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी अपने लिए ग्राइंडिंग कर लेता हूँ जिससे मेरे पास थोड़ा बहुत स्टफ हो जाएगा सर्वर के अंदर। अभी यहाँ पर मैं अपने बेसिक आर्मर और टूल्स को बनाने के लिए ग्राइंडिंग करने लगता हूँ। बट मैं अभी तक शॉक में था कि अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे प्लेयर्स मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। ऑलराइट गाइस, अभी मेरे पास यहाँ पर लॉग तो आ चुके हैं, इनसे एक काम करता हूँ प्लैंक्स बना लेता हूँ। एंड ओके, मैंने अभी अपनी क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया है। एंड वेट भाई, उधर शलकर पड़ा हुआ है। एक सेकंड भाई, इसको चेक करता हूं मैं। ब्रो वेट, इसके अंदर दो तो लाइटर और है, मुझे लगता है गाइस यहां पर कोई सब कुछ रख के भूल चुका है। एंड गाइस पूरा की पूरा मुझे यहां पर एक डायमंड का आर्मर मिल चुका है, लेट्स गो गाइस। एंड हां, इस वाली ब्रश को तो मैं यहीं पर रख देता हूं भाई, मेरे को इधर झाड़ू थोड़ी लगाना है सर्वर के अंदर। बाकी गाइस मेरे पास यहां पर एक फ्री का डायमंड का आर्मर आ चुका है। अभी एक काम करता हूँ, इस वाले सर्वर को पूरा एक्सप्लोर करके देखता हूँ। बट हाँ गाइस, मुझे इस चीज का ध्यान रखना होगा, पता नहीं ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहीं वापस जाके ये लोग मुझे मार ना दें। एंड अभी मैं किसी के तो बेस के पास आ चुका हूँ। यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे फ्री का फूड दिख रहा है, मैं इसको उठा लेता हूँ जल्दी से। ऑलराइट आई गाइस, इतना इनफ है। एंड गाइस अभी जल्दी से इससे अपने लिए ब्रेड बना लेता हूँ।
एंड वेट भाई, ये किसका घर है यार? ये तो बहुत अमीरों का घर लग रहा है। उधर दो दो डायमंड आर्मर रखे हुए हैं। पहले मैं आसपास यहाँ पर देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। ओके गाइज, यहाँ पर कोई है नहीं आसपास। एंड एक काम करता हूँ, मैं इस घर के पास जाता हूँ जल्दी से। गाइज देखो, मैं पूरा आर्मर नहीं चुरा रहा हूँ, मैंने केवल यहाँ पर बूट्स को चोरी किया है। और एक बार इस वाले घर के अंदर जाके देखता हूँ मैं। ओके भाई, घर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना हुआ है। एंड ये चेस्ट है यहाँ पर, अरे वाटर बॉटल है भाई, पानी का मैं क्या ही करूंगा, पानी तो नहीं चाहिए मुझे। एंड इस वाली चेस्ट को भी चेक करता हूँ मैं। ओके गाइज, थोड़े से यहाँ पर हम लोग अपने लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स को ले लेते हैं। एक बार ही गाइज मैं इस वाले घर में ऊपर जाके देखता हूँ कि ऊपर क्या है। अबे ऊपर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, फिर मैं यहाँ से निकल ही लेता हूँ, उसी में मेरा फायदा है। क्या पता इसका ओनर आ जाए और फिर मेरे को मारने लग जाए। ऑल राइट, एंड भाई नीचे किसका घर बना हुआ है ये? वेट, एनएम यश, अबे ये तो मेरा फ्रेंड है भाई। और ये सर्वर के अंदर, अरे डैम गाइस, आपको भी पता होगा यार, ये मेरा फ्रेंड है और यहाँ पर सर्वर के अंदर ये क्या कर रहा है? अरे रुको गाइस, एक काम करता हूँ, इसके पास जाता हूँ भाई। मुझे नहीं बताया था भाई इसने कि कभी इस वाले सर्वर में प्ले भी करता है। रुको, मेरे पास लाइटर है, मैं लाइटर से उड़ के जाता हूँ। अभी गाइस देखना, शॉक हो जाएगा ये। वीसी, ओके चलो भाई, आप यहाँ कैसे आए? अरे मैंने तो भाई आज ही ज्वाइन किया सर्वर को, लेकिन तुम बताओ भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे भी है? अरे मेरे पैसे छोड़ो यार, पर आपके देखो 1 मिलियन एमरल्ड भाई। एक सेकंड, मेरे 1 मिलियन? क्या पागल हो गए क्या भाई? मैं तो अभी सर्वर को ज्वाइन किया है और मेरे पास 1 मिलियन कहाँ से आ जाएंगे? भाई रुको, आपको एक कमांड देता हूँ, वो टाइप करो। हाँ दो भाई मेरे को कमांड। गाइस क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि मेरे पास 1 मिलियन पैसे है। आपको दिखता है भाई मेरे पास की 1 मिलियन होंगे भी कभी? नहीं। एक काम करता हूँ, पहले तो चेस्ट प्लेट को पहन लेता हूँ मैं। भेज दिया डिस्कॉर्ड पे मैंने। अच्छा ये वाली कमांड है ना, रुको मैंने इसको डाला। वेट भाई, सही में मेरे पास 1 मिलियन पैसे है? अरे यार मुझे ऐसा लगता है ना ये कोई ग्लिच हो चुकी है, ये रियल में नहीं होने वाले है मेरे पास। भाई एक बार टेस्ट करते हैं मार के आपको, फिर वापस कर दूंगा मैं पैसे। अच्छा हाँ, ऐसा होता है ना सर्वर में, किसी को मारने से उसके पैसे किसी और के पास चले जाते हैं ना। हाँ हाँ, आप यहाँ रिस्पॉन्स सेट कर लो। ओके ओके, एक काम करता हूँ मैं, तुम्हारे इस वाले घर के अंदर रिस्पॉन्स सेट कर लूंगा। ऑल डन भाई, मारो मुझे एक बार ही, मारो एक बार ही। रुको एक काम करता हूँ, मैं अपना आर्मर उतार देता हूँ। ओके अभी मैं मर चुका हूँ। ओ भाई तुम्हारे पैसे सच में इंक्रीज हो गए, 1 बिलियन ऐड हो गए तुम्हारे पास अभी। मैं तो बोला था। और हाँ अभी मेरे पास भाई 0 हो चुके हैं। गाइस अभी इसका मतलब सर्वर के अंदर कोई तो ग्लिच हो चुकी है जिससे मेरे पास 1 मिलियन पैसे आ चुके हैं और ये सच में वर्क कर रहे हैं। ये देखो गाइस, इसके पास ट्रांसफर भी हो चुके हैं। चलो भाई मजे हो गए भाई, मैं तो अमीर हो गया। अरे तुम क्यों हो गए भाई, मेरे पैसे वापस करो, चलो मैं अभी तुमको मारूंगा जल्दी से। ओके चलो भाई, अभी तुम्हारे 0 हो चुके हैं पैसे एंड तुम्हारे पैसे मेरे पास आ चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, आप ही पैसे कलेक्ट करो एंड आप ही बन जाओ रिचेस्ट प्लेयर। उससे होगा क्या भाई, रिचेस्ट प्लेयर तो मैं बन जाऊंगा पर उससे होगा क्या भाई? रिचेस्ट प्लेयर सब पे रूल करता है भाई, सर्वर पे पूरे। व्हाट, सर्वर पर रूल करता है रिचेस्ट प्लेयर? हाँ भाई, बट एक बात अलग है कि उसको पे भी करना होता है सैलरी। अरे वो ठीक है, पर लेकिन भाई सब लोग मतलब उसका ऑर्डर को फॉलो करते है ना, ऐसा होता है? हाँ भाई, आप बोलोगे चाय बना के दे दो, दे देगा भाई। चाय, सच में चाय बन जाती है? हाँ भाई। पर लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि उस रिचेस्ट प्लेयर के पास कितने पैसे है? 10 मिलियन है भाई उसके पास, उससे ज्यादा लेने होंगे हम लोग को। ओके ओके, इसका मतलब उसके पास गाइस 10 मिलियन पैसे हैं और गाइस अभी मेरे पास 1.5 मिलियन है पैसे। और अगर मुझे गाइस उससे रिच बनना है तो मेरे को अभी काफी सारे पैसे और भी लेने होंगे। तो भाई यार अमीर कैसे बनेंगे सर्वर में, क्योंकि इतने सारे पैसे कमाना तो बहुत ही टफ काम है। नहीं भाई, प्लेयर्स को मार के ले सकते हैं ना। अच्छा हमने उनको मार दिया और बदले में वो लोग अगर हमें मारेंगे तब क्या करोगे तुम? भाई ट्रैप कर देंगे भाई, आर्मर थोड़ी होंगे उनके पास। अरे नहीं यार, ऐसे कोई भी हमारे प्लान में नहीं आने वाला है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं ना कुछ आइडिया सोचता हूँ कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं सर्वर के अंदर। तो अभी यहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड डिसाइड कर लेते हैं कि मैं सर्वर का सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेयर बन के रहूंगा एंड फिर सर्वर के ऊपर रूल करूंगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे रिचेस्ट प्लेयर बनने के लिए बहुत सारे पैसे भी कमाने थे और पैसे कमाने के लिए मैं थोड़ा सा आइडिया सोचने लगता हूँ। अरे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना एक इवेंट कराते हैं और उस इवेंट के अंदर हम लोग एक एंट्री फीस रखने वाले हैं। पर बंदे इवेंट में आएंगे क्यों? अच्छे भाई इवेंट में हम लोग उनको प्राइज देंगे ना, मैं उनके लिए एक प्राइज पूल रखूंगा 500K का, मतलब कि इवेंट विनर को 5 लाख रुपए मिलेंगे पूरे। ये कुछ ज्यादा नहीं है? अरे मुझे ऐसा लगता है तुम अभी तक नहीं समझे। अरे उस इवेंट के अंदर कोई विन करेगा ही नहीं, हम लोग सबसे एंट्री फीस तो ले लेंगे 100K की, लेकिन उसके अंदर विन नहीं करेगा कोई भी। अरे कैसे भाई? अरे वो सब मैं बाद में बताता हूँ, अभी एक काम करते हैं, हम लोग इवेंट की तैयारी करते हैं। हाँ भाई चलो भाई जल्दी करते हैं। चलो भाई मेरे साथ आ जाओ। और हाँ सबसे पहले भाई रुको रुको, ए मेरे को कुछ अपना फूड वगैरह दे दो भाई थोड़ा सा। अरे रुको मैं तुम्हारे फार्म से ना ताजी ताजी फूड खुद ही ले लूंगा भाई। फार्म से मत लो भाई, ए लूंगा भाई मैं, ये कच्चे नहीं भाई, पक चुके भाई सड़े हुए, ये लो एप्पल खाओ। ये गोल्डन एप्पल भाई, थैंक यू भाई, मैं तो उधर गाजर खाने लग रहा था।
भाई क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे, हमें करना क्या है आप? अरे अरे रुको भाई, सब लोगों ने चैट में भी स्पैम कर दिया है, अभी बताता हूँ भाई। सुनो सुनो, देखो मैं ना एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और उस इवेंट के विनर को पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 5 लाख? हाँ फॉर रियल भाई, 500 के मिलेंगे विनर को। करना क्या है बट उसमें? अरे बहुत इजी होने वाला है, आपको बस मेरी एक लाइट्रा को फाइंड करना होगा और उसके लिए शवल भी मैं आपको देने वाला हूँ, और बहुत ही छोटे एरिया में करना है आपको फाइंड, और जो भी सबसे पहले फाइंड करेगा उसको मैं पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। अरे भाई जल्दी ले चलो भाई मुझे वहाँ पर। अरे 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 सब्र करो भाई, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। ऑलराइट तो गाइस, अभी इवेंट के लिए काफी सारे लोग रेडी हो चुके थे एंड मैं सभी को ले जाता था एक ग्राउंड पर जहाँ पर मैंने अपनी लाइट्रा को रीनेम करके हाइड किया हुआ है, लेकिन हाँ उसको फाइंड करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होने वाला है। ऑलराइट गाइस आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर होने वाला हमारा मेगा इवेंट। पर एक सेकंड सुनो सुनो, अभी स्टार्ट करने से पहले तुम सबको जो है एंट्री फीस देनी होगी। कैसी एंट्री फीस? अरे अरे एक बहुत ही मिनिमल एंट्री फीस लगने वाली है, लाइक आपको जो है 1 लाख एमराल्ड देने होंगे मुझे एंट्री फीस के लिए। ये बहुत ज्यादा है 1 लाख। अरे अरे नहीं यार, एक चीज सोचो यार, अगर तुमको 5 लाख एमराल्ड विन करने हैं तो 1 लाख छोटा अमाउंट है बहुत, बट फिर भी एंट्री फीस के रूप में बहुत ज्यादा है ये। अरे गाइस एक्चुअल में देखो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है भाई, देखो बहुत ही सिंपल है, एक तो मेरी विंग्स को ढूंढना और तो तुम लोग देख लो यार तुम्हारा ही फायदा इसके अंदर। भाई मुझे तो लग रहा है ये कोई स्कैम है। नहीं एक्चुअल में मैं स्कैम नहीं करूंगा, अगर मैं स्कैम करता हूँ तो तुम लोग मुझे सर्वर से बैन कर सकते हो, तो बिलीव करो मेरे ऊपर मैं किसी को भी स्कैम नहीं करूंगा। तो अगर स्कैम किया तो सर्वर से बैन? हाँ पक्का सर्वर से बैन कर देना। अरे यश भाई हेलो किधर हो? अरे यश वो दो ना मेरे को शवल ले आए तुम। ऑलराइट गाइस अभी आप लोग एक चीज देख सकते हो, इस वाले शल्कर बॉक्स के अंदर बहुत सारी शवल रखी हुई है जिनकी जो है यहाँ पर हेल्थ बहुत ज्यादा लो है। एंड गाइस मैं इन सभी शवल्स को इन सभी प्लेयर्स को देने वाला हूँ जिससे गाइस ये लोग ज्यादा माइनिंग नहीं कर पाएंगे और मेरी उन वाली विंग्स को कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके चलो अभी इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से अपनी एंट्री फीस दे दो मुझे। एंड फिर यहाँ पर मैं एक एक करके सभी से एंट्री फीस लेने लगता हूँ, एंड मुझे लगा था कि अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस अभी सब लोगों ने अपने जो है 1 लाख रुपीस दे दिए हैं, पर एक सेकंड इस बंदे ने नहीं दिए, मेरे पास है ही नहीं। अरे 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 कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी तुम्हारे पास कितने? अभी 35,000 है ना, अभी तुम अपने इन वाले सारे पैसों को दे दो मुझे। ओके थैंक यू भाई देने के लिए। यस 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 गाइस अभी एक एक करके आओ मेरे पास और मैं सभी को एक एक शवल दूंगा, एंड उस शवल से आप सबको इस वाले एरिया में माइन करना होगा, और जो भी सबसे पहले मेरी लाइट्रा को ढूंढ के देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा पूरे के पूरे 5 लाख एमराल्ड का। ठीक है चलो ठीक है, ये लो भाई शवल आप अपनी, एंड नेक्स्ट ये लो भाई। ओके तो गाइस आप सभी के पास है केवल और केवल 2 मिनट, और इन 2 मिनट्स के अंदर जो भी सबसे पहले मेरी विंग्स को फाइंड करेगा उसको पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मिलने वाले। सो गाइस स्टार्ट करो सब लोग। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। ओके गाइस अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अपना इवेंट, एंड गाइस मुझे पक्का से पता है भाई ये लोग कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे मेरे उन विंग्स को। अभी सभी लोग गाइस देखो यहाँ पर माइनिंग करने में लगे हुए हैं, भाई कितना जल्दी जल्दी तुम लोगों ने माइनिंग कर दिया यहाँ पर। वैसे गाइस आपको तो पता है ना कि मैंने अपने विंग्स को कहाँ पर रखा हुआ है, एंड ये देखो किसी की शवल तो टूट भी चुकी है इसलिए मैंने इनको बेकार वाली शवल दी थी। एंड हाँ जिसकी भी शवल टूटती जा रही है ना वो सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सब लोग अभी यहाँ पर डिगिंग करने लगते हैं, एंड इन सभी के पास केवल 1 मिनट बची हुई थी, लेकिन इनमें से कोई भी अब तक मेरी उन विंग्स को नहीं फाइंड कर पाया था, और मुझे पक्का से यकीन था कि ये लोग कर भी नहीं पाएंगे, बट तभी कुछ ऐसा होता है। अरे अरे गाइस ये सब लोग तो यार इधर की साइड ही आते जा रहे हैं। अरे कई गाइस ये लोग ढूंढ रहे हैं। वेट नहीं नहीं तुमको फेक वाली मिली होगी भाई, कोई रियल नहीं मिली है तुमको? मुझे मिल गया। क्या मतलब कि उनके ऊपर विंग्स लिखा हुआ है? अरे नहीं यार वो मेरी वाली विंग्स नहीं है, वो नकली विंग्स है कोई। भाई आ जाओ ये स्कैम कर रहा है, जल्दी से बाहर आओ सब। अरे नहीं नहीं गाइस मैं किसी को भी स्कैम नहीं कर रहा हूँ। गाइस यार अभी यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, अभी यहाँ पर एक बंदे को वो विंग्स मिल चुकी है और गाइस मुझे अभी उसको पूरे के पूरे 5 लाख पैसे देने होंगे। अच्छा भाई किसको मिली है मेरी विंग्स दिखाओ पहले, तुम झूठ बोल रहे हो मुझे ऐसा लगता है। मुझे मिला है। दिखाओ दिखाओ विंग्स दो मेरे को। इधर ये लोग उठा लेंगे। अरे गाइस तो एक्चुअल में मेरी ही विंग्स है। देखो तुमको कहाँ पर मिली है पहले मुझे ये बताओ, अगर तुम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हो ना तभी मैं दूंगा तुमको। एक गड्ढे में, गड्ढे जैसा कुछ था उसके ब्लॉक्स के नीचे था। गड्ढे जैसा ब्लॉक्स के नीचे, ठीक है चलो मान लेता हूँ मैं। लाओ भाई पैसे लाओ मेरे। ओके तो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पर पूरे के पूरे 18 लाख रुपीज है, एंड अभी मेरे को इनमें से 5 लाख रुपए इसको देने होंगे। भाई किसको देने थे मुझे? सुपर जय है ना? हाँ मुझे। यस यस दे रहा हूँ भाई, बस मेरे को 1 मिनट दो स्लैश गिव। तो ठीक है जय तुमको मैंने दे दिए तुम्हारे पैसे। मिल गया। अमीर जय। अरे कोई नहीं गाइज मेरा तो यहाँ पर लॉस हो गया भाई, कितने बुरे लोग हैं ये लोग। और गाइज अभी पता नहीं मेरा वो फ्रेंड कहाँ पर जा चुका है, ये गाइज उसका ही आइडिया था। नहीं वैसे आइडिया तो मेरा ही था ये सब करने का, बट गाइज जो भी है यहाँ पर मेरा थोड़ा सा लॉस तो हो चुका है, ये अच्छी बात है कि ज्यादा लॉस नहीं हुआ मेरा। ऑलराइट गाइज अभी जल्दी से मैं अपने घर पे चलता हूँ भाई, वैसे यहाँ पर
मेरा लॉस हो चुका है। एंड एक सेकंड भाई, ये यश अभी तक नहीं आया क्या सर्वर के अंदर? पता नहीं गाइस कहां चला गया। ओके भाई यहां पर ये यश तो नहीं है। वेट, ये नेम टैग किसका दिख रहा है? अरे शिट गाइस, मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में कोई चोर आ गया है। भाई रुको, इसको मारता हूं अभी मैं। चोर, ये चोर नहीं तो शेड बॉय। ये शेड बॉय, इसको वीसी बुलाता हूँ मैं। वेट, आता हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो वेलो छोड़ो भाई, तुम एक चीज बताओ कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मेरा घर है भाई, यश के साथ रहता हूँ, ऊपर वाला कमरा मेरा ही है। व्हाट द हेक भाई, यश ने तो मुझे बताया नहीं था ऐसा कुछ। अरे पता नहीं भाई, वो ज्यादा बोलता नहीं है इस बारे में, पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, अभी पता है मुझे लगा कि कोई चोर है, वो तो मैंने तुम्हारा नेम देख लिया इसलिए मैंने तुमको पहचान लिया था, नहीं तो मैं तुमको मार देता अभी कब का। आप बताओ क्यों आए हो? अरे मैं एक्चुअली सर्वर के अंदर तो 2-3 दिन पहले आया था, और फिर यहाँ पर मैं शेड बॉय को शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें बताने लगता हूँ, और अपने कराए गए इवेंट के बारे में भी बताता हूँ, जिसके अंदर की अभी मैं थोड़ा सा लॉस करके आ रहा हूँ। ओके, अब सारा सीन समझ में आया, इसका मतलब आपको रिचेस्ट प्लेयर बनना है। हाँ वैसे भी सही है, अगर हम दोनों में से कोई एक भी बनेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दूसरे की बात थोड़ी माननी पड़ेगी फिर। हाँ वही ना यार, मैंने सुना था यश बता रहा था कि वो जो सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर है ना, वो सबके ऊपर ऑर्डर चलाता है, वो अलग बात है कि वो थोड़े बहुत पैसे दे देता है लोगों को। अरे हाँ भाई सही कह रहा है यार, मैं भी परेशान हो गया यार इससे बहुत ज्यादा। हाँ और भाई तुमको पता है भाई, अगर तुम्हारा फ्रेंड एक बार बन गया ना सर्वर का लीडर, फिर तो भाई अपने मजे ही मजे होने वाले सर्वर में। इसी बात पे भाई। अरे थैंक यू भाई, वैसे भी है मेरे पास थोड़ी बहुत। एंड अभी तुम्हारे पास केवल 2 लाख रुपए है, चलो फिर भी ठीक है, बट यार तुम मेरे को एक चीज बताओ, जैसा कि अभी मैंने तुमको बताया ना। अरे भाई सच्चा, तो मेरे पे एक ऐसा आइडिया जिससे हम सिर्फ जीतेंगे जीतेंगे, एक ऐसा इवेंट करवा पाऊंगा। एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हम हमेशा जीते? अभी मैंने भी वैसा ही कराया था और मैंने वैसा ही सोचा था कि हम लोग जीतने वाले हैं। अरे वो सब छोड़ो भाई, तुम मेरे साथ आओ। ठीक है आ रहा हूँ भाई। ओके कहाँ ले जा रहे हो भाई? ये देखो। वेट व्हाट, नेदरराइट आर्मर और नेदरराइट के टूल्स? प्रो एक सेकंड, पर सर्वर के अंदर नेदरराइट तो बैन है ना, फिर ये कैसे आया तुम्हारे पास? अरे वो सब छोड़ो ना भाई, मैंने जैसे तैसे करके कर लिया ग्रांट, तुम उसको यूज करके भाई करो ना पैसे अर्न। अरे गाइस आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइस अभी मैं काम करूंगा, नेदरराइट आर्मर को ऑब्टेन करके सर्वर के बाकी के प्लेयर्स को किल करूंगा, जिससे गाइस उनके पैसे मेरे पास आ जाएंगे। यार काफी अच्छा आइडिया है, तो एक काम करता हूँ मैं, इस वाले आर्मर को ले लेता हूँ भाई अभी के लिए, एंड अपने पुराने वाले बेकार से डायमंड आर्मर को फेंक देता हूँ मैं। अरे अभी आएगा ना मतलब, चलो जल्दी से चलते सबको मारने के लिए। अरे चलो भाई लेट्स गो। अरे काम करते, सुनो सुनो सुनो, तुमको पता है सर्वर में अभी सबसे ज्यादा मनी किसके पास है? रिचेस्ट प्लेयर को छोड़ के, क्योंकि देखो उसके पास तो मुझे ऐसा बताया था यश ने, उसके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो हम अभी रिचेस्ट प्लेयर को तो नहीं मार पाएंगे, बाकी और प्लेयर्स को मारते हैं हम लोग। मनी तो भाई सब लोगों के पास होती है अच्छी खासी। अरे काम करते, सर्वर के अंदर एक प्लेयर है सुपर जय करके, मैंने अभी उसको इवेंट में ना एक 5 लाख एमराल्ड का प्राइज दिया है, तो हम लोग उसको जाके मारते हैं। अरे सही कह रहे हो भाई, हमें तो भाई पैसा वसूल हो जाएगा, चलो जल्दी से चलते। अरे चलो भाई चलते भाई, कहाँ पर मिलेगा ये? ओके भाई यार कोई भी प्लेयर आज तो नजर ही नहीं आ रहा है, किधर गायब हो गए सारे प्लेयर ये? तो गाइस एक काम करता हूँ मैं, इस वाले घोड़े को ले लेता हूँ यहाँ से, एंड भाई अभी ढूंढता हूँ मैं जल्दी से। अरे भाई घोड़ा मिल गया भाई। ओरा, रुको रुको, घोड़ा मिल गया अपने को, बकरा भी मिल गया भाई, एक ये रहा बकरा, आजो मारते इसको, मारते चलो चलो। अरे वो भाग रहा है भाई। अरे रुको रुको, तुम बस उसको एक बार रोक लो भाई, उसके पास जैसा भी तगड़ा आर्मर होगा ना डायमंड का, वो मेरे नेदरराइट के आर्मर के सामने तो कुछ भी नहीं है। अभी मार तो भाई अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड से इसको मैं। हिट स्विंग, अबे नीचे गिर गया ये। अबे यार मुझे ऐसा लग रहा है अपने सीक्रेट बेस पर तो नहीं ले जा रहा ये, नहीं नहीं उधर तो नहीं जा रहा है, लेट्स गो। मर गया भाई ये। एंड एक सेकंड भाई, इधर क्या ग्लिच हो रखी है, क्या हो रखा है ये चेक करना, शल्कर ब्रो व्हाट, शल्कर बॉक्स के अंदर इतने सारे रॉकेट्स भरे हुए हैं। भाई एक काम करते भाई, चोरी कर लेते भाई इधर से हम लोग। भाई मैंने तो उठा भी लिया पहले ही। भाई ये सब तो करते रहे ना, पहले तुम उस सुपर जय को ढूंढो भाई, वो किधर है भाई? वो बात भी सही है यार, वो ये कौन है? अरे एक काम करो तुम उस साइड देखो, मैं ना इस साइड देखता हूँ, और अगर मिले ना तो मुझे बुलाना। अरे मिल गया क्या? मैं लड़ रहा हूँ उससे सुपर जय। ओके ये रहा, मारो भाई लेट्स गो। एंड ओ मर गया भाई, लेट्स गो। जी जी भाई बहुत पावरफुल आर्मर है यार। अरे बहुत पैसे थे भाई इसके पास, अभी सारे पैसे मेरे पास आ चुके होंगे। अभी एक काम करते हैं, बाकी के और प्लेयर्स को भी देखते हैं और उनको भी किल करते हैं हम लोग। अरे अच्छे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे क्या हुआ भाई, जा रहा हूँ ना प्लेयर की सर्च में, प्लेयर्स को ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे उधर ही तो है भाई रिचेस्ट प्लेयर का हाउस। मतलब ये जो ब्रिज जा रहा है इधर, सोने जैसा ब्रिज लग रहा है। अरे हाँ भाई उधर ही है भाई, मत जाओ। वैसे भी क्या, क्यों जाऊंगा तो भाई क्या हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है? अरे हाँ भाई वैसे भी गुलामी थोड़ी करनी है किसी की, चलो चलते मारते आ जाओ। चलो भाई मारते हैं। अरे वैसे भी भाई रिचेस्ट प्लेयर को तो नहीं मार सकते ना, कोई और मिला तो उसको टपका देंगे। ठीक है भाई चलो चलो चलते हैं। अरे ये कौन है, हैरी? अरे इसको मारते भाई बिना आर्मर के। रो व्हाट, अबे इसके पीछे आना भाई एक बारी, ये बिना आर्मर के जा रहा है। अबे रुकना भाई, मैं भाई पहन लिया आर्मर पहन लिया इसने। अरे भाई मुझे लगता है अभी उसकी गुलामी करके आ रहा है ये। हाँ
रिचेस्ट प्लेयर के गुलाम, रुक जा भाई तुझे मारता हूँ। अबे शेड भाई भाग रहा है, शेड में भाई पकड़ो इसको। अरे कहाँ हो भाई आप? अरे पानी में जंप लगा दी भाई इसने अभी। ये रहा। अरे रुक जा रुक जा। हाँ नहीं छोड़ूंगा भाई, मर गया, लेट्स गो भाई। इसके पास 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे थे गाइस। अभी मैंने अपने पैसों का प्रीव्यू मोड ऑन किया और ये देखो गाइस, मेरे पास पूरे के पूरे 3.5 मिलियन हो चुके हैं। अरे अचिल भाई आप तो बहुत ज्यादा रिच हो गए हो। अरे नहीं यार, कहाँ रिच हूँ, जो सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर है उसके पास पूरे 10 मिलियन है और मेरे पास तो अभी केवल 3.5 मिलियन है। तो भाई उसका भी हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जल्दी से ही। अरे अभी किसको मारे भाई, ज्यादातर अभी सर्वर में थोड़े बहुत पैसे है लोगों के पास। कोई बात नहीं, जितने पहले उतने कलेक्ट करते भाई, बात की बात में देखी जाएगी। पर भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि सर्वर का जो रिचेस्ट प्लेयर है वो इतना ज्यादा रिच कैसे बनाए। अरे हाँ भाई, डाउट तो मेरे को भी है, लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा रिच है और इतने ज्यादा एमराल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ हाँ वही ना, उसने कैसे करे। अरे काम करते हैं शेड बॉय, हम लोग उसके पीछे स्पाई करते हैं, पता तो लगाएंगे कि पूरा दिन करता क्या है, आकर इतने सारे पैसे उसके पास कैसे आए है। बात तो सही कह रहे हो भाई, दो लोग है तो बहुत अच्छे से स्पाई हो जाएगा। हाँ भाई एक काम करो, उधर चलते हम लोग। और तुम्हारे पास इन्वेस्ट का पोशन है कोई? हाँ भाई 2 पोशन पड़े मेरे पास। अरे निकालो ना भाई जल्दी से। ओके थैंक यू भाई पोशन के लिए, चलो अभी चलते भाई, आ जाओ आ जाओ, वो शायद से अभी अपने बेस पर ही होगा। वेल तो गाइस आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर्वर के अंदर अगर पैसे कमाना इतना ही टफ है तो रिचेस्ट प्लेयर के पास इतने सारे पैसे कैसे आए। एंड इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं इस प्लेयर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता हूँ जिसके अंदर हम लोग रिचेस्ट प्लेयर को पूरा दिन स्पाई करने वाले थे। एक तो भाई कितना ऊपर जाना यार, अपने को कितनी सारी स्टेयर्स है इसकी। अरे शेड बॉय तुम आ चुके हो ना, अभी दिख रहे नहीं हो क्योंकि तुम। अरे भाई ऊपर ही भाई, मेरे को तो यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं भाई। अरे हाँ मैं भी यही पर हूँ, सुनो मैं ना अभी अपने हाथ में एक सॉल्ट ले रहा हूँ, तुम भी दिखाओ मेरे को किधर हो तुम। आ गया भाई मैं। अच्छा ये रहा, ठीक है अबे अंदर रख लो यार, पकड़े ना जाएं। भाई ये है क्या सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर? भाई इसके पास तो 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। अरे शायद से ना सर्वर में प्रॉक्सिमिटी चालू है, तो हम लोग इनकी वॉइस कॉल को ज्वाइन करके देखते हैं। भाई म्यूट रहना लेकिन। हाँ ठीक है भाई म्यूट हूँ मैं, ज्वाइन कर लिया मैंने तो। तुमने भी कर लिया ना प्रॉक्सिमिटी ज्वाइन? हाँ कर लिया कर लिया। सुनो तुम तीनों, तुमको जो काम दिया था वो तुमने अभी तक किया कि नहीं? अरे नहीं यार अभी तक नहीं हुआ। तो सैलरी देना बंद कर दूंगा, ऐसा रहना काम करना चालू कर दो। इनके ऊपर इतना डांटता है भाई, इतना जुल्म करता है, तुम्हारे ऊपर भी करता है क्या शेड बॉय ये? अरे भाई करता था लेकिन मैं गया नहीं। आगे से कोई काम चोरी मत करना और जो भी मैंने भी तुम लोगों को बोला है ना वो करके आओ। भाई क्या ही ऑर्डर चलाता भाई लोगों पे। सुनो सुनो शेड बॉय एक काम करो, इसका हम लोग पीछा करते है कि पूरा दिन में अपने करता क्या है आखिर। रुको यहाँ पर आ जाओ, इसके घर के अंदर आ जाओ। शेड बॉय अंदर आ चुके हो ना तुम अभी इसके बेडरूम के? हाँ भाई आ गया मैं। भाई एक सेकंड, ये इधर नाचता है भाई, व्हाट द हेक भाई। फ्री के गोल्डन एप्पल है, मैं तो उठा ले रहा हूँ भाई। भाई इसको पता लग जाएगा भाई, मत उठाओ उनको गाइस, ये मरवाएगा यार मेरा फ्रेंड। ए सॉर्ट अंदर करो भाई, सॉर्ट अंदर करो प्लीज, पकड़ लेगा वो भाई। इसके पास पैसे क्या आ गए तो पूरा दिन मुझे लगता है एंजॉय करता रहता है बस। अरे आप भी सही कह रहे हो भाई, अमीर लोगों की लाइफ। भाई सही कह रहे हो भाई, अमीरों की लाइफ है भाई। चलो भाई खैर जो भी है, चलते हम लोग अभी यहाँ से। भाई यार कुछ भी पता नहीं लगा यार, अपन ने इतना देर स्पाई किया। अरे इतनी देर से क्या होगा भाई, हमको पूरा दिन करना पड़ेगा स्पाई, तभी कुछ ज्यादा अच्छा पता लगेगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने घर पर जाओ और जल्दी से थोड़े से इन्वेस्ट के पोशन और बना लाओ, उसके बाद हम लोग फिर पूरा दिन स्पाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है भाई लेके आता हूँ मैं कुछ पोशन। ठीक है हाँ ठीक है मैं यहीं पर मिलूंगा तुमको, जल्दी से आ जाओ। चलो भाई जल्दी से पोशन लगा लेते हम लोग। अच्छा शेड बॉय अभी आ गए हो ना ऊपर? मैं ऊपर ही हूँ भाई। ओए गेमर ओपी निकल रहा भाई यहाँ से, एक सेकंड इसका पीछा करते भाई, कहीं तो जा रहा है शायद से ये। भाई नीचे जा रहा है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। मैं भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ। भाई जल्दी आओ भाई, निकल जाएगा ये केव में जा रहा है। नहीं अरे भाई यहाँ पर कोई टनल बना रखा है। अरे मुझे लगता है माइनिंग करने जा रहा है। चलो फिर भी पीछा कर लेते हम लोग यार। ओके अबे ये कोई माइन वगैरह नहीं है, ये तो कुछ और ही। ब्रो व्हाट द हेक, एमराल्ड ये क्या है ब्रो? एक सेकंड इधर इतना लैग क्यों कर रहा है, पूरे फ्रेम रेट डाउन हो गए यहाँ पर। भाई कितनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर इसने शायद से ड्यूपिंग मशीन बना रखी है एमराल्ड की। ब्रो कितना ज्यादा ड्यूप कर रहा है ये, ऐसे तो अमीर बन जाएगा। अरे अमीर बन जाएगा नहीं, इसी वजह से ये अमीर प्लेयर है सर्वर का। अरे भाई अब क्या करना भाई इसके साथ, हमें तो पता चल गया इसका सच। अरे भाई अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, लेजिट भाई अभी समझ आ रहा है मुझे कि सर्वर का ये अमीर प्लेयर कैसे बना है। गाइस यार आप लोग भी देखो एक बारी, इसने यहाँ पर काफी सारे कमांड ब्लॉक्स को लगाए हुए है और पता नहीं कमांड ब्लॉक्स को तो कैसे लाया होगा, एंड साथ के साथ यहाँ पर ये ड्यूपिंग करता है। ब्रो एक्सेल वाइज चेस्ट में देखो। किस वाली चेस्ट में? अच्छा इस वाली जो इसके अंधेरे में। ब्रो व्हाट,
इतने सारे कमांड ब्लॉक्स, भाई ये बंदा बहुत अलग है यार। यहाँ पे कितने एमरल्ड्स हैं? अरे हाँ भाई, पूरे में एमरल्ड भरे हुए हैं। एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं शेड बॉय, ठीक है? अभी यहाँ से निकलो, जल्दी से ईपल करो ऊपर। तो वेल गाइज, अभी आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर कैसे एक रिचेस्ट प्लेयर बना है, और इस चीज को देखकर हम लोग भी शॉक हो जाते हैं। बट अभी के लिए तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम लोग लौट के जरूर आने वाले थे। अरे भाई नीचे बहुत ज्यादा FPS डाउन हो रहे थे, और भाई इसका असलियत जान के तो मैं पूरा ज्यादा शॉक हो गया भाई। भाई मैं अभी बहुत शॉक हो चुका हूँ, बट भाई मेरे को अभी इसमें एक बहुत ही तगड़ा प्लान आया है। क्या आया है भाई, जल्दी बताओ भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे सुनो, हम लोग एक काम करेंगे, जब रात हो जाएगी ना सर्वर के अंदर और ये यहाँ से चला जाएगा, तो हम लोग इसकी मशीन से अपने एमराल्ड को ड्यूप कर लेंगे, और भाई फिर उस वाली मशीन को हम लोग ब्रेक भी कर देंगे। अरे भाई सही कह रहे हो भाई आप। अरे हाँ चलो, अभी वेट करते भाई, यहाँ पर रात होने का सर्वर में। ओके अभी यहाँ पर रात तो हो चुकी है, चलो शीट बॉय आ जाओ, चलते हैं अभी। अभी तो अपने घर में जाके मस्त ही सो रहा होगा। अरे भाई इनविज लगाना नहीं लगाना? अरे अभी क्यों लगाना है, अभी तो कोई भी नहीं है ना रात में, आ जाओ ना। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग भी सर्वर के सबसे ज्यादा अमीर प्लेयर बनने वाले हैं, एंड गाइस उसके बाद सर्वर के ऊपर मैं रूल करूंगा। इतने सारे एमराल्ड्स हैं भाई यहां? अरे हाँ भाई बहुत सारे, भाई गेम भी थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, तुम भी अपना बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज कर लो, और मैं भी अपना बैलेंस यहाँ पर इंक्रीज कर लेता हूँ। तो अभी रात के टाइम मैं और मेरा फ्रेंड वापस से आते हैं इसी वाली लोकेशन पर, एंड मशीन का यूज करके अपने खुद के एमराल्ड्स को इंक्रीज करने लगते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इस मशीन को तोड़ने वाले हैं, जिससे इस वाली मशीन को कोई दोबारा से यूज नहीं कर पाएगा। ऑलराइट गाइस, अभी आप लोग देखो भाई हमारे पास कितने सारे पैसे हो चुके हैं। मेरे पास गाइस यहाँ पर पूरे के पूरे 25 मिलियन हो चुके हैं, और शेड बॉय के पास? भाई मेरे पास पूरे के पूरे 15 मिलियन हो चुके हैं। अरे हाँ भाई 15 मिलियन हो चुके हैं तुम्हारे पास पूरे? भाई बहुत ज्यादा अमीर हो गया भाई मैं। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा शेड बॉय एक काम करते हैं, इन ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं। अरे एक सेकंड, हम तो कमांड ब्लॉक्स को तोड़ ही नहीं सकते हैं, बट सुनो इसके रेडस्टोन को तोड़ देते हैं। हाँ बाकी के ब्लॉक्स तोड़ देते हैं ना। ये लो भाई इसकी मशीन को हम लोग पूरा खराब कर देंगे, जिससे भाई केवल हम ही लोग सर्वर के अंदर अमीर रह पाएंगे। वेट शेड बॉय, ओह शिट, वीसी बुला रहा भाई है। भाई अभी तो जाना पड़ेगा अपने को। हेलो, ए भाई तुम यहाँ क्या कर रहे थे यार, ये ड्यूपिंग चल रही थी क्या? ड्यूपिंग हम कर रहे थे या फिर तुम्हारी मशीन है पूरी की पूरी है? ये भाई ये मेरी मशीन नहीं है, और ये जो मैं ना पूरा रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये तुम्हारा। शेड बॉय ये क्या बोल रहा है भाई, पागल हो गया भाई ये तुम्हारी तो मशीन है पूरी की पूरी है, और तुम ऐसे अमीर बने हो सर्वर के अंदर, झूठ मत बोलो तुम। नहीं मैं ऐसे अमीर नहीं बना, मैंने डोमिनेट करा काफी। नहीं देखो यार तुम जो भी हो तुम स्कैमर हो, तुमने सबके साथ स्कैम किया है, और हम एडमिन को जाके बताएंगे सब कुछ। अरे तुम क्या अभी एडमिन के पास जाओगे, अभी तो मैं जाता हूँ एडमिन के पास वीडियो दिखाने। ए नहीं शेड बॉय भाई क्या कर रहा है, गेमर ओपी देखो तुम्हारी मशीन है पहले से ये, और हम तो बस अभी आए हैं बस 5 मिनट पहले, और तुम तब से ड्यूब कर रहे थे इतने दिनों से। मैं तो जा रहा हूँ एडमिन को दिखाने, और तुम ये तो नेदरराइट आर्मर भी बैन है इस सर्वर में, तुम्हारे पास नेदरराइट आर्मर कहाँ से आया? अरे वो नेदरराइट आर्मर, वो तो भाई शेड बॉय भाई अभी क्या बताऊँ भाई, बताओ ना यार तुम। अरे वो नेदरराइट आर्मर भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो दे दिया था बस तुमको। तुम्हारे साथ साथ शेड बॉय ने भी इलीगल चीजें करी है सर्वर में, तो मैं तो ये रिकॉर्डिंग दिखाने जा रहा हूँ अभी एडमिन। अबे यार शेड बॉय भाई रोको यार इसको। अरे भाई मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ भाई रोकने का, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। अबे मारो इसको, अबे शेड भाग रहा है वो। अरे भाई ये भाग रहा है भाई रोको इसको। अबे शेड ये ब्लॉक कर रहा है। अबे रुक 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 रुक, अबे किधर भाग रहा है? अरे अच्छिल भाई पकड़ो इसको, वरना कुछ भी बता देगा भाई सबको। अबे हाँ भाई पकड़ो ना इसको, क्या कर रहे हो तुम भाई? ये सब तेरी वजह से हुआ भाई, तूने बोला था यहाँ पे आने को। भाई क्या भाई मेरी वजह से हुआ? कुछ भी, मैंने क्या बोला था तुमको? हाँ तुम्हारा प्लान था तभी तो फंसे भाई हम। भाई ए हेलो, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा भी प्लान था स्पाई करने का। हम लोग निकले थे सर्वर का रिचेस्ट प्लेयर बनने, बट अभी हम लोग बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी जो रिचेस्ट प्लेयर था उसने हमारे अगेंस्ट नेगेटिव एविडेंस को इकट्ठा कर लिया था। मतलब कि अभी वो ये दिखाने वाला था एडमिन को कि ये मशीन हमारी थी, और हम लोगों ने सर्वर के अंदर ड्यूपिंग करी है, और ऊपर से मेरे पास नेदरराइट आर्मर भी था जो कि सर्वर के अंदर ऑलरेडी बैन था। अरे गाइस अभी हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। हाँ तुम्हारा प्लान था तभी तो फंसे भाई हम। अरे तो माना भाई, पर लेकिन हम दोनों का आइडिया था ना स्पाई करने का। हाँ भाई था तो सही, अब भाई हम दोनों को ही सजा मिलेगी शायद से। अरे अच्छिल भाई आपने अभी अनाउंसमेंट नहीं पढ़ी क्या अभी? अरे नहीं भाई मैंने तो नहीं पढ़ी कोई अनाउंसमेंट। अरे एडमिन ने अभी मीटिंग रखी है, सबको बुलाया, आपको भी बुलाया उन्होंने। अरे भाई यार मैंने बोला था भाई एडमिन अभी शायद बैन कर देगा अपने को। हाँ अभी जाके पता लगेगा क्या होगा वहाँ पे। किधर जाना है ले चलो मुझे, किधर जाना है? वो एडमिन भाई मैंने आपको DM पे जो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो आपने देख ही ली होगी, अब आपने जो फैसला लेना आप इन लोगों के सामने ले लो। हाँ वो देखी है मैंने रिकॉर्डिंग। हाँ तो एडमिन सुनो, वो रिकॉर्डिंग है ना बिल्कुल फेक रिकॉर्डिंग है, और एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ ना, ये गेमर ओपी खुद ही एक स्कैमर है। यस यस ये ना गेमर ओपी, इसी ने ड्यूपिंग करी है पहले से, और हम लोग तो बस केवल स्पाई करने के लिए गए थे। इतना झूठ एडमिन कोई बोल नहीं सकता, तो आपको मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी उससे आपको पता चल गया होगा, वो आप अपना लास्ट फैसला बता दो इन लोगों की
की बातें मत सुनो। अरे सुनो एडमिन, एडमिन सुनो, सच में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, लिटरल यही असली चोर और इसी ने ऐसे करके अपने पैसों को इंक्रीज किया हुआ है। तो तुम्हारे भी मुझे पैसे इंक्रीज हुए हुए दिख रहे हैं। अरे शिट गाइस, हमने अपने पैसे भी इंक्रीज कर लिए थे ना, अभी तो हम लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। अरे एडमिन सुनो, मैं आपको एक काम करूंगा, मैंने भी ना अपनी रिकॉर्डिंग करी हुई है, मैं आपको अपनी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। HCL तुम्हारे पास नेदरराइट आर्मर भी है और मेरे को तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, मैंने गेमर ओपीआई की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग देख ली है, तो अभी ये मेरा लास्ट फैसला है, मैं तुम्हें बैन कर दूंगा। यार प्लीज मत करो, देखो यार शेड बॉय, अभी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है अपने पास। यार आर्मर तुमने दिया था मेरे को, तुम्हारे काम के लिए ही तो दिया था आर्मर। अबे क्या काम के लिए भाई, यार ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं बैन हो रहा हूँ। अरे कोई ना यार, हम लोग जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे मिलके। ब्रो शिट यार, मैं सर्वर का सबसे ज्यादा अमीर प्लेयर भी बन चुका था गाइस अभी तो, एंड अभी इन लोगों ने मुझे बैन कर दिया। इसका रिवेंज तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा गेमर ओपी, याद रखना इस चीज को।